हेलो एवरीवन, नाउ वी विल स्टार्ट द लेक्चर 2 ऑफ मार्केट। इसमें हम समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल के अकॉर्डिंग कितने प्रकार से क्लासिफिकेशन होता है मार्केट का। ठीक है, तो किसके अकॉर्डिंग? सेल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फर्स्ट होता है मिक्स्ड और सिंपल मार्केट। सेकेंड होता है स्पेशलाइज्ड मार्केट। थर्ड होता है मार्केट बाय सैंपल। फिर होता है मार्केट बाय ग्रेडेशन, मार्केट बाय ट्रेडमार्क, होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेल के अकॉर्डिंग 7 प्रकार से मार्केट होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है मिक्स और सिंपल मार्केट, हम इसको समझते हैं। तो देखो, हर सिटी, टाउन और विलेज में एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर सारी चीजें एक जगह पर मिल जाती है। ठीक है, हर प्रकार की चीजें एक जगह पर मिल जाती है, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो और कपड़े हो, सारा जो भी मटेरियल हमारा मार्केट में अवेलेबल होता है वो सब हमें एक ही जगह पे मिल जाता है। वो ये भी हो सकता है कि हमारे एरिया के पास वाला मार्केट हो या फिर हमारी सिटी का मेन मार्केट हो। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर हर प्रकार की चीजें मिल जाती हैं, सभी प्रकार की चीजें एक ही मार्केट में अवेलेबल होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? मिक्स और सिंपल मार्केट, जो कि हर सिटी, टाउन और विलेज में होता है। फिर आता है सेकेंड, स्पेशलाइज्ड मार्केट। स्पेशलाइज्ड मार्केट वो मार्केट होता है जो जिसमें किसी मतलब अलग से चीज ही मिलती है, जैसे सब्जी मार्केट हुआ, उसको क्या बोलते हैं? सब्जी मंडी। वहां पर क्या होता है? सब्जियां या फ्रूट्स ही मिलते हैं। फिर होता है सराफा बाजार। वहां पर क्या होता है? वहां पर सिर्फ सुनार, सोने चांदी वगैरह की ही दुकानें रहती हैं। ठीक है, तो ऐसा मार्केट क्या होता है? स्पेशलाइज्ड मार्केट, जिसमें जो उसी के नाम से जाना जाता है, जैसे सब्जी मंडी, सराफा मार्केट, कपड़ा बाजार। ठीक है, फिर क्या होता है? मार्केट बाय सैंपल। मार्केट बाय सैंपल वो मार्केट होता है जहां पर हम, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें बुक लेने जाना है, हम गए, हम स्टेशनरी की शॉप पे गए जहां पर पूरी स्टेशनरी की शॉप है। ठीक है, तो हम वहां पर गए मार्केट बाय सैंपल में, हमने बोला कि भैया हमें हिंदी की बुक दे दो, 11th क्लास की हिंदी मीडियम की हिंदी की बुक चाहिए। तो उन्होंने हमको हिंदी की बुक दी, हमें पसंद आई, हमने रेट करा और हम लेकर आ गए। तो वहां पर हमने क्या बोला, हमने ये नहीं बोला इंग्लिश की भी दिखाओ, हिंदी की भी दिखाओ, इकोनॉमिक्स की भी दिखाओ, बिजनेस की भी दिखाओ। हमें तो जो बुक चाहिए थी हमने वो बोला और हमने नाम बता दिया, उन्होंने हमें बुक दिखाई और हम लेकर आ गए। तो हमने एक सैंपल बता दिया उनको और हमें पसंद आ गया तो हम घर पे ले आए। तो इसको बोलते हैं मार्केट बाय सैंपल। फिर आता है मार्केट बाय ग्रेडेशन। मार्केट बाय ग्रेडेशन में ये होता है, हम मार्केट जाते हैं तो वहां पर हम गेहूं के अलग अलग नाम होते हैं, चावल के अलग अलग नाम होते हैं। हमने उनको बता दिया कि हमें लोकवर गेहूं चाहिए, सरबती गेहूं चाहिए, हमें दे दो। उन्होंने हमें थोड़ा सा सैंपल दिखाया, हमने देखा हाँ साफ है और हम उसको लेकर आ गए। तो वो सिर्फ हम क्या बोलते हैं उनको, हम नाम बता देंगे, भैया हमें ये गेहूं चाहिए, वो हमें थोड़ा सा सैंपल दिखाएंगे, हम उसे पसंद कर लेंगे, रेट कर लेंगे और पूरा के पूरा वो बंच हमको दे देंगे। हम पूरा बंच चेक नहीं करते, पूरा फैलाकर चेक नहीं करेंगे, अच्छा है, साफ है, कैसा है। उन्होंने थोड़ा सा बताया, हमने थोड़ा सा सैंपल देख लिया और हमने उनको नाम बता ही दिया था, तो हम वो चीज को लेकर घर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है? मार्केट बाय ग्रेडेशन। अब होता है मार्केट बाय ट्रेडमार्क। मार्केट बाय ट्रेडमार्क में क्या होता है, हमें जिस भी ट्रेडमार्क का सामान चाहिए होता है हम उसी शॉप पे जाते हैं। जैसे रेमंड्स का सामान चाहिए तो रेमंड्स की शॉप पे जाएंगे, विमल का सामान चाहिए तो विमल की शॉप पे जाएंगे। तो हमें जिस भी ट्रेडमार्क का सामान चाहिए होता है हम उस शॉप पे जाते हैं। उन लोगों का डिस्काउंट जो भी है 5% 10% वो फिक्स रहता है, वो फिर उसके बाद कोई लॉस नहीं कर कोई लेस नहीं करते। ठीक है, तो हम वो सामान लेकर आ जाते हैं। तो हम उसी शॉप पर जाते हैं जिस भी ब्रांड का हमको सामान चाहिए। फिर आता है होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर हमें बल्क में सामान लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम साड़ी लेने गए, उन्होंने हमें एक सैंपल दिखाया, उसके 5 कलर है, उन्होंने हमने बोला ये रखें, ये लेना है हमको, तो उन्होंने 5 पूरे कलर रख दिए। अब फिर हमको और शॉप पे कोई और चीज चाहिए हमको, तो वहां पर भी क्या होगा, हम एक चीज देखेंगे वो पूरा सेट वाइज रख देंगे। तो होलसेल मार्केट में हमें सेट वाइज मटेरियल लेना पड़ता है, कभी भी एक क्वांटिटी हम नहीं ले सकते, या फिर हम सोचे कि एक दो क्वांटिटी ले लें, दो चार चीजें ले लें, तो ऐसा नहीं होता। जो भी सामान है वो हमें बल्क में लेना पड़ता है। हम बल्क में जब सामान लेते हैं तो वो होता है हमारा होलसेल मार्केट। रिटेल मार्केट क्या होता है? रिटेल मार्केट वो होता है जहां पर सिंगल सिंगल क्वांटिटी भी हमें मिल जाती है, सिंगल सिंगल क्वांटिटी हम उसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है रिटेल मार्केट। तो हमारा फर्स्ट हुआ मिक्स्ड और सिंपल मार्केट,
सेकंड हुआ स्पेशलाइज्ड मार्केट, थर्ड हुआ मार्केट बाय सैंपल, फोर्थ मार्केट बाय ग्रेडेशन, फिफ्थ मार्केट बाय ट्रेडमार्क, सिक्स होलसेल मार्केट एंड सेवेंथ इज रिटेल मार्केट। अब हम सबके एग्जांपल लिखते हैं। तो देखो मिक्स्ड और सिंपल मार्केट में क्या होता है, ये हर सिटी टाउन और विलेज में अवेलेबल होते हैं। सिटीज टाउन और विलेज हर जगह पर अवेलेबल हो जाते हैं हमें ये मार्केट, ठीक है। फिर क्या है स्पेशलाइज्ड मार्केट, स्पेशलाइज्ड मार्केट क्या होता है, जैसे सब्जी मंडी है, ठीक है। सब्जी मंडी में क्या होता है, सब्जियां या फ्रूट्स ही मिलते हैं। फिर होता है सराफा बाजार हुआ, ठीक है। फिर क्या होता है मार्केट बाय सैंपल, मार्केट बाय सैंपल में आता है एग्जांपल स्टेशनरी, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है मार्केट बाय ग्रेडेशन, मार्केट बाय ग्रेडेशन में आता है राइस, जैसे हमें राइस चाहिए नर्मदा का, ठीक है। फिर आता है गेहूं में भी क्या होता है हमें हमें उसका नाम बता देंगे, वही हमें दे देते हैं जैसे बीट, गेहूं को क्या बोलते हैं बीट। बीट में आता है 147 करके भी आता है, लोकवन भी आता है, सरबती भी आता है, सरबती लिख देते हैं, ठीक। तो इसमें हर प्रकार की अलग अलग ब्रांड होती है या फिर लोकवन, ठीक है। फिर आता है मार्केट बाय ट्रेडमार्क, मार्केट बाय ट्रेडमार्क में क्या होता है एग्जाम्पल जैसे विमल का शोरूम हुआ, रेमंड्स का हुआ, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं ये हो जाते हैं। अब होलसेल मार्केट तो पता ही है क्या होता है, जहाँ पर हमें बल्क में सामान मिलता है, और रिटेल मार्केट क्या होता है जहाँ पर हमें सिंगल सिंगल क्वांटिटी में मटेरियल अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो हमारा हो गया मिक्स और सिंपल मार्केट, स्पेशलाइज्ड मार्केट, मार्केट बाय सैंपल, मार्केट बाय ग्रेडेशन, मार्केट बाय ट्रेडमार्क, होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट। ये हमारा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ सेल के अकॉर्डिंग 7 टाइप्स ऑफ मार्केट हमारे कंप्लीट हो गए। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, एंड यदि पसंद आए तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।